नमस्कार, तहलका न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मऊ का एसडीएम, दबंग एसडीएम इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। बताते चलें कि कल कोपागंज के हॉटस्पॉट में काम करने वाला एक चिकित्सक पर भी उन्होंने जमकर बरस पड़े। बरस ही नहीं, उन्हें गाली गलौज तक दे डाली। बताते चलें कि वह चिकित्सक हॉटस्पॉट में काम कर रहा था, जिन पर वह जाकर उन्होंने खुद बरस पड़े। बताते चलें कि आए दिन ये एसडीएम सुर्खियों में बने रहते हैं और किसी महिला के साथ भी गत दिनों सुर्खियों में बने रहने के कारण काफ़ी दिनों से आंदोलन भी चला और ये अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं और इनकी दबंगई इस तरह कायम है कि इनके डर से कोई भी आंदोलन और कोई भी कार्य करने वाले इनसे डर और भयभीत रहते हैं। कल कोपागंज के एक चिकित्सक पर जमकर बरस पड़े और इनकी चर्चा इन दिनों फिर सुर्खियों में है, जिसके चलते चिकित्सकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। आज कार्य का बहिष्कार कर इनके खिलाफ जम के नारेबाजी भी किया गया। मऊ का दबंग एसडीएम, जी हाँ, बताते चलें कि मऊ का दबंग एसडीएम अतुल बस्त ने एक चिकित्सक पर ही गाज गिरा दिया। जी हाँ, बताते चलें कि कोपागंज के हॉट स्पॉट में काम करने वाला एक चिकित्सक पे उन्होंने कल जाकर उन पर गाली गलौज तक दे डाली, जिसको लेकर चिकित्सकों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया और चिकित्सक ने आज आंदोलन कर कार्य का बहिष्कार करते हुए जम के नारेबाजी भी की और अतुल बस्त के खिलाफ जम के नारेबाजी करते हुए उनके हटाए जाने की मांग को लेकर अड़े रहे। आज शाम को, देर शाम को एक बैठक भी होनी है, जहां पर चिकित्सकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। सारे चिकित्सक लामबंद होकर एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी कर हड़ताल पर। वो साला बोलेगा, स्टाफों के बीच में मुझे भद्दी भद्दी गालियां, माँ बहन को गालियां दी गई और 10-15 मिनट बैठा करके उन्होंने एक तरफा मुझे डांटता रहा और इस तरह से डांटा गया मुझे कि मैं इस घटना के बाद से पूर्णतया अपने आप को टेंशन में महसूस कर रहा हूं और रात भर मुझे नींद नहीं आई है, मैं परेशान हो गया हूं। क्या करेंगे? क्या मुझे क्या देखो डाटा आपको? सर्वे के संदर्भ में बात हुई तो मैंने कहा कि सर ये आशा जो है जो सर्वे की है वही रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं और आशाओं को ऐसा निर्देश भी दिया गया है कि आप अधिक से अधिक घरों में करें, लेकिन पब्लिक की पूरी सपोर्ट नहीं मिल रही है, जिसके कारण हमको कम हाई रिस्क आदमी मिले हैं, लेकिन इसी बातों पर उन्होंने हमको गाली देना शुरू कर दी है। तो आगे क्या रणनीति आपकी है? मैं तो अब इनके अंदर में काम नहीं करना चाहूँगा। ना आपने यूनियन को बताया, यूनियन क्या डिसाइड आज बैठक में की है? उनको जो है जिला से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि इस तरह की घटना और अन्य चिकित्सकों के साथ भी वो कई बार कर चुके हैं। हड़ताल भी चलेंगे? हड़ताल चलेंगे, आज से कोई कार्य नहीं करेंगे क्या आप सारे चिकित्सक? नहीं, अभी हड़ताल पर नहीं, ऐसा निर्णय नहीं हुआ। शाम को 4 बजे हम लोग कर्मचारी संघों का भी मीटिंग होने वाला है। क्या एसडीएम के खिलाफ एप्लीकेशन भी देंगे मानसिक प्रताड़ना का? हाँ देंगे। आप स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं, मेन उद्देश्य है कि आप उनकी स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं, आपके उत्पीड़न हुआ है, आप स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? जिले से बाहर उनका स्थानांतरण हो जाए, क्योंकि हम सारे चिकित्सकों को बार बार इस तरह का घटना उनके साथ हुई है और झेल रहे हैं हम लोग। अरे उनका कहना है कि आप वर्क नहीं कर रहे थे वहाँ पे, कोई काम नहीं कर रहे थे जो सर्वे दिया गया था, क्या ऐसे काम नहीं कर रहे थे? हमारी सारी टीमें वहाँ काम कर रही है, हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं, हमारे सुपरवाइजर काम कर रहे हैं। काम नहीं कर रहे तो कौन काम कर रहा है? हमारे स्टाफ ही तो काम कर रहे हैं वहाँ पर। क्या दबंग है? क्या एसडीएम ये दबंग नहीं, इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं और बार बार ऐसी प्रताड़ित करते हैं और दूसरों को, हमारे चिकित्सकों को, जिससे हम लोगों को बहुत ज्यादा रोष है। क्या नाम है और किस पद पे हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर रमन कुमार झा है, मैं अधीक्षक के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोपागंज पर कार्यरत हूँ। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं कोपागंज के इंचार्ज डॉक्टर आर के झा, उनको कल किसी अपने कार्य के प्रति उनको बुलाया गया था
जो अपने काजों अपने जितने कर्मचारी उनके पास है उसके आधार पर वो अपने काज कर रहे हैं और पहले भी कर रहे थे, मगर उनको 11 बजे दिन में एक सिपाही आया बुलाने के लिए थाने पे, उनको कोपागंज थाने में बुलाया गया अकेला और भरी सभा में वो बोल रहे हैं कि मुझे गाली दिए, माँ बहन की गाली दिए, जिसके कारण वो बहुत मेंटली टेंशन में थे, रात को बहुत रो रहे थे। तो उससे हम लोग को बहुत खराब लगा। इससे पहले भी एक घटना घट चुकी है मोहम्मदाबाद में, ये सब सारी घटनाओं को लेते हुए सारे डॉक्टरों में बहुत ज़्यादा रोष है। हमने शासन में भी बात की है, प्रमुख सचिव तक ये सारी सूचनाएं भेजा गया है और हमारे जो सचिन वैश्य साहब हैं हम लोग के पीएमएस एसोसिएशन के अध्यक्ष, उसने भी बोले हैं कि नहीं ये बहुत ही खराब हुआ है, इसे संघ के माध्यम से हम मुख्यमंत्री तक उठाएंगे। सर दरअसल गाली कौन दिया है? गाली एसडीएम अतुल भट्ट साहब ने दिया। तो अभी आगे क्या रणनीति बनी है, क्या बहिष्कार कर दिया गया है या कार? अभी शाम को 4 बजे एक हम लोग सारे कर्मचारी एसोसिएशन भी हम लोग के साथ हो गए हैं, इसमें वार्ड बॉय फार्मासी स्वीपर सारे हैं और लिपिक वर्ग भी है। तो शाम को 4 बजे एक बैठक रखी गई है, उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाए। अभी क्या मांग क्या आप लोगों की? हम लोग का मांग है कि इस तरह से जो कार्य कर रहे हैं ये घोर निंदनीय है, इन्हें यहाँ से हटाया जाए और इनके ऊपर आचरणात्मक कार्रवाई की जाए। कह रहे हैं सर जिस तरह से मानसिक इनको पढ़ा किया गया है, क्या एप्लीकेशन भी देंगे इस तरह? हाँ लिखा है उसने लिखा भी है, अपने डॉक्टर साहब ने बाइट भी दिए हैं। ये हम लोग अभी संज्ञान में, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस बात का संज्ञान लिया है कि किसी हमारे डॉक्टर के साथ जो है एक अभद्रता की गई है, जो कि सरकारी हॉट स्पॉट एरिया में कोपागंज में पोस्टेड थे और ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसकी घोर निंदा करता है ऐसे कार्यों का, और ऐसे समय जबकि इस डॉक्टरों को हौसला बढ़ाना चाहिए, डॉक्टर भी अपने आप को बीमारी से बचने के लिए अपने आप को डरा हुआ है कि भाई कहीं वायरस इन्फेक्शन ना फैले, ऐसे में अगर लोगों को हौसला बढ़ाना चाहिए और ऐसा कोई भी अधिकारी का व्यवहार किसी हमारे डॉक्टर को, जो हमारे एक सम्मानित डॉक्टर है जो कि वहाँ पर रह के उस एरिया में जहाँ पर ये संक्रमण फैला हुआ वहाँ कार्य कर रहा है, इसका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बड़े कड़े शब्दों में निंदा करता है और उम्मीद करता है कि ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई की जाए।